भाई ये मारुति की अल्टो आई है हमारे पास, अल्टो 800 बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जब गाड़ी स्टार्ट, वैसे चलती बंद हुई है तो हमने सब चेक किया, इसमें पेट्रोल भी आ रहा है, करंट भी आ रहा है, तकरीबन सारे काम हो रहे हैं। देखो दिक्कत क्या है कि इसकी इंजन की जो स्टार्ट करने की जो पावर है वो काफ़ी हल्की हो चुकी है। हल्की मतलब आवाज़ से ही पता लगता है कि भाई कुछ ना कुछ जो ऐसा है कि हाफ इंजन इसका घूम रहा है। भाई एक बार ज़रा स्टार्ट करके दिखाओ। बस होता क्या है कि ब्लॉक में क्रैंक लगी है, वो तो पिस्टन समेत घूम रही है, लेकिन जो ऊपर की केम की जो पोजीशन है वो नहीं घूम पा रही है। वजह क्या होती है कि इसमें बीच में टाइमिंग बेल्ट होती है जो केम को घुमाती है, यानी कि हेड को जो चलाने का काम करती है वो टाइमिंग बेल्ट है, तो वो इसकी टूट चुकी है। इसलिए जो है हाफ इंजन घूमने के कारण इसमें आवाज़ काफ़ी हल्की बनी हुई है, जिससे कंप्रेसर की आवाज़ आ ही नहीं रही। तो अब आपको दिखाते हैं कि भाई ये हमें पता कैसे चला है। इसकी खोलेंगे ये चीज़ कवर वगैरह खोलने के लिए ना बहुत सी चीज़ें इसमें खोलनी पड़ती है, तो थोड़ी देर के बाद में पता लगेगा हमें कि भाई ये कन्फर्म है कि नहीं है। अब टाइमिंग बेल्ट खोलने के लिए हमें देखो क्या क्या चीज़ें खोलनी है। अभी देखो ये फिटिंग तो आपने देख ही ली है कि कितनी खोल दी है, और ये एसी कंप्रेसर है ये भी हटाना पड़ेगा। ये माउंटिंग है, ये इधर कपलिंग लगी हुई है, माउंटिंग है, और भी छोटी मोटी चीज़ें पुलिया सब खुल उल के उसके बाद ही जो है मतलब ये कवर खुल पाएगा, ये वाला ये टाइमिंग कवर है, तो उसके अंदर जो है टाइमिंग बेल्ट होती है, वो भी दिखाएंगे आपको। काफ़ी फिटिंग है खुल चुकी है, और ये और भी काफ़ी फिटिंग है जो आपको दिखाई जा रही है वीडियो के अंदर। अभी और भी काफ़ी फिटिंग खुल रही है। ये भाई जी हमने निकाल दिया है इसमें से टाइमिंग बेल्ट के, देखो टुकड़े हुए हैं इसमें, ये आपको क्रैकिंग भी नज़र आ रही है। ये देखो बेल्ट बुरी तरह से टूटी हुई है, ये देख रहे हो आप। तो ये जाहिर सी बात है बेल्ट टूटेगी तो इंजन तो स्टॉप होना ही है। ये गाड़ी हाईवे पे चलती हुई रुक गई थी, हमने वहाँ पे अपने थोड़ा सा देखने के बाद पता लग गया था कि बेल्ट टूट चुकी है, इस वजह से गाड़ी रुकी है। कारण रुकने के और भी होते हैं लेकिन इसमें बेल्ट का कारण था, तो हमने आपको पहले दर्शा भी दिया था कि वे बेल्ट टूटी हुई है। अब किस तरह से टूटी है वो आपको दिखा देंगे। तो देख लीजिए ये नीचे वाली क्रैंक गिरारी है, ऊपर वाली जो है एक केम गिरारी है, बीच में एडजस्टर बैरिंग लगा है, तो बेल्ट इन्हीं के ऊपर चलती है। नीचे घूमती है तो ऊपर भी घूमती है, अगर टूट जाएगी तो नीचे वाली घूमेगी, ऊपर वाली तो स्टॉप हो जाएगी तो इंजन रुक ही जाएगा। अब आपको लगाते हुए टाइमिंग सेट करते हुए दिखाएंगे। देखिए भाई जी सबसे पहली बात तो ये जो पुली है इसमें ये निशान लगा हुआ है टाइमिंग की पुली में, केम पुली में टाइमिंग का निशान, और ये मैच करता है इस निशान के साथ। ये जो निशान आप देख रहे हो ये वाला, ये तो ये तो हेड की टाइमिंग होगी, बिल्कुल बराबर है जहाँ होनी चाहिए टाइमिंग बेल्ट लगाते हुए। और दूसरा ये हो गया बेल्ट का एडजस्टर बैरिंग, और नीचे वाली जो ये मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये पुली के अंदर ये काट रहा है, ये है क्रैंक की शाफ्ट, शाफ्ट में लगी हुई है ये क्रैंक पुली, टाइमिंग पुली बोलते हैं इसको, क्रैंक की टाइमिंग पुली। अब इसमें ये काटर की बिल्कुल सिधाई से लेके यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखो ये जो एल्युमिनियम की पंप के अंदर, एल्युमिनियम का ये पंप है पूरा, ऑयल पंप होता है, तो इसके यहाँ पे ये निशान है, ये टाइमिंग का निशान है यहाँ से लेके, और ये चीज़ जो है ये बिल्कुल सामने मैच करनी चाहिए। आप देख भी रहे हो देखो, मैं इसके अगर उससे जाऊं तो ये आती है इसमें, ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रही है दाता, ठीक है। तो ये नीचे से लेके और ऊपर की टाइमिंग मैंने आपको बताई दी है, ये आपको फिर दर्शा देता हूँ। ये यहाँ से ये निशान से और ये निशान मैच कर रहा है, नीचे और ऊपर मैच होने के बाद में अब इसमें टाइमिंग बेल्ट हम डाल देते हैं।
तो टाइमिंग हमारी बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। दिखाते हैं आपको आगे और ये अब हमने इसमें बेल्ट फिट कर दिया टाइमिंग के अंदर। तो ये देखिए ऊपर का निशान बिल्कुल एग्जैक्ट है और नीचे वाला आपको मैं दर्शा देता हूँ। नीचे वाला भी निशान बिल्कुल सही है, ये देखिए अब नज़र आएगा आपको बिल्कुल सीधा सीधा कार्टर से मिलता हुआ ऑयल पंप के निशान से बिल्कुल मैच करता हुआ टाइमिंग गियर का। टाइमिंग बिल्कुल ओके और बेल्ट भी हमारी टाइट हो चुकी है। ये होती है टाइमिंग बेल्ट जो आपको नज़र आ रही है। देखिए नीचे वाली क्रैंक घूमती है तभी ये ऊपर वाला हेड वाली केम घूमती है, तो वो टाइमिंग के हिसाब से इंजन फिर स्टार्ट होता है। अब इसकी फिटिंग कर देते हैं। लो जी भाई साहब, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ये कंप्लीट काम हो गया, गाड़ी हमारी स्टार्ट है। अब इसको हम लेके कहीं भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।